किताब किताब में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि शनिवार को शनि को यदि खुश करना हो तो क्या करें। यदि आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये छोटे छोटे प्रयोग करें। इन प्रयोगों से शनि निश्चित ही आप पर प्रसन्न होंगे और आपको मनवांछित फल प्रदान करेंगे। कम से कम 9 शनिवार गरीबों को भोजन कराएं। भोजन में शनिदेव के प्रिय भोज्य सामग्री रखें। घर के नौकरों, धोबी, ड्राइवर आदि से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि शनि गरीबों का प्रतिनिधित्व करता है। गरीबों के खुश होने पर शनिदेव स्वतः खुश हो जाते हैं। प्रति शनिवार शनि के निमित्त व्रत उपवास करें। प्रति शनिवार शनिदेव के लिए विशेष पूजा अर्चना अवश्य कराएं। शुभ मुहूर्त देखकर शनि कवच धारण करें। साथ मुखी रुद्राक्ष धारण करें। प्रति शनिवार आपके खाने में तिल से बनी सामग्री अवश्य खाएं। शनि का रत्न नीलम धारण करें। नीलम धारण करने से पूर्व किसी ज्योतिष विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। शनि संबंधी दान या उपहार बिल्कुल ग्रहण न करें। प्रतिदिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करें। हनुमान जी के भक्तों पर शनि बुरा प्रभाव नहीं डालते। प्रतिदिन या हर शनिवार इष्ट देवता को काले या नीले रंग के फूल अवश्य चढ़ाएं। शनिश्री अमावस्या पर नदी में स्नान कर शनि के निमित्त दान पुण्य करें। पुरुष पर स्त्री और स्त्री पर पुरुष का साथ तुरंत छोड़ दें, अन्यथा शनि और क्रूर हो जाएगा और आपको उससे बहुत बुरे फल प्राप्त होंगे। सारे धार्मिक कार्य छोड़ दें। उपरोक्त सभी प्रयोग शनि को प्रसन्न करने वाले हैं और ये सहज ही किए जा सकते हैं। इन प्रयोगों से आप पर शनि की कृपा जरूर होगी और अशुभ समय दूर हो जाएगा। जब हम शनि चालीसा का पाठ करते हैं तब उसमें एक चौपाई पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ पाठ कर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि इस चौपाई के अर्थों में भी यह स्पष्ट संकेत है कि शनि की दशा हमेशा दुख देने वाली नहीं होती। फिर भी शनि की दशा में व्यक्ति भय और संशय की स्थिति में जीवन जीता है, चाहे वो राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब। और ये चौपाई है, गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे, गर्दभ हानि करे बहु काजा, गर्दभ सिद्ध कर राज समाजा। इसका मतलब है शनिदेव के प्रसन्न होने यानी हाथी पर सवार होकर आने पर अपार धन सुख संपदा मिलती है, किंतु यदि प्रतिकूल होने पर जिसे यहाँ गधे पर सवार होकर आना बताया गया है तब व्यक्ति को गहरे दुख मिलने के साथ सम्मान भी खो देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शनि की दशा का ढैया या साढ़े साथी हमेशा कष्ट देने वाली नहीं होती। इसलिए हम यहाँ इन दोनों दशाओं के उजले पक्ष को जानते हैं। साढ़े साथी और शनि की ढैया में जातक की कुंडली में चंद्र और शनि के मित्र या उच्च राशि में होने पर अच्छे फल मिलते हैं। इससे पीड़ा के स्थान पर व्यक्ति अपार सुख पाता है, किंतु शत्रु या नीच राशि से योग होने पर बुरे परिणाम मिलने लगते हैं। शनि की दोनों दशाओं में कुंडली में चंद्रमा की अच्छी स्थिति व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। इसलिए इन दशाओं में व्यक्ति का कठिन समय भी सरलता से गुजर जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा कमजोर होने पर व्यक्ति को नुकसान होता है। इसके साथ ही मिथुन, तुला, वृष, मकर, कन्या और कुंभ लग्न के जातक को शनि की दशा में बुरा प्रभाव नहीं होता, जबकि उनके लिए समय अनुकूल हो जाता है, उसे लाभ ही लाभ होता है। शेष लग्न के जातकों में इन दोनों दशाओं में शनि का बुरा प्रभाव देखा जाता है। शनि की दशाओं में शुभ फल के लिए यह भी जरूरी है कि शनि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में दोनों में अनुकूल होना चाहिए। किसी एक में भी शनि विपरीत योग बना रहा हो तो बुरे फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अगर आप भी शनि की इन दशाओं के प्रभाव में हो या आने वाले हो तो भयभीत ना होकर कुंडली में इन बातों को किसी विद्वान ज्योतिष से जाने। इस अवधि में शनि की आराधना और शांति के उपाय अपनाएं। निर्भय होकर जीवन जिए। ज्योतिष से जुड़ी हुई किसी भी अमूल्य जानकारी के लिए जो आपके लिए कारगर साबित हो सकती है, फायदेमंद साबित हो सकती है, उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।